श्री मुक्तसर साहब दे सरकारी सेहत सेवावां दा जनाजा निकलिया पिया नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल विच लगातार सरकारी डॉक्टरों वालों अपनियां नौकरियां तो अस्तीफे दिते जा रहे ने। दसिया जा रहा है कि इन्हां डॉक्टरों ते सीनियर अधिकारियों का ज़्यादा दबाव होने कारण इन्हां डॉक्टरों वालों अस्तीफे दिते जा रहे ने। इस संबंधी जदों SMO सतीश कुमार गोयल नाल गलबात की गई तो उन्हां दा कहना सी कि पिछले दिन ही एक डॉक्टर राणा चावला गायनी ने अपना अस्तीफा भेजा। इस नाल ही आई सर्जन डॉक्टर बलजीत कौर ने 3 महीने का नोटिस दिता है, जबकि एक सर्जन डॉक्टर अर्शदीप कौर ने अपने निजी कारण दसे ने। उन्होंने दसिया कि डॉक्टर बलजीत कौर नू 20 साल हो गए ने अते हुण प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। इस तरह डॉक्टर राणा चावला ने प्राइवेट नौकरी करनी है, इसलिए उन्होंने वालों अपनी नौकरी तो इस्तीफा दिता गया। पिछले दिन ही एक तो साढ़े हॉस्पिटल विचों डॉक्टर राणा चावला गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने अपना रिजाइन भेजा है। एक साढ़े जिहड़े आई सर्जन है डॉक्टर बलजीत कौर उन्होंने 3 महीनों का नोटिस दिता सरकार को जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट है। और एक साढ़े रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्शदीप कौर वो एक दिन का नोटिस से रिजाइन कर की कारण नजर आया, उन्होंने आपके परसनल रीजनस से सारा, क्योंकि डॉक्टर बलजीत कौर के तो 20 साल तो उपर हो गए, वो कहते पेंशनरी बेनीफिट उन्होंने मिलने सारे, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। और जेडे डॉक्टर राणा चावला उन्होंने भी मेरे सुनन च आया प्राइवेट जॉब अपनी की है। और जेडे अर्शदीप कौर है वो कहते मैं पे ज़्यादा मिलती है प्राइवेट सैक्टर के, इस करके मैं रिजाइन कर। जो सरकारी डॉक्टर घर देख सकते हैं जी क्लीनिक अपने जो जिस तरह ड्यूटी दे सकते, इस बारे तो तुम जे उच्च अधिकारी है उन्होंने। अच्छा जी, एक इतों की कंटीन है ज दूजा स्टैंड है, वो की कारण, वो भी कोई पता लगे की कारण है जरा क्यों बंद कर गए, क्योंकि चोरी की वारदात लगातार वध रही है। तो उन्हें आपके निजी रीजन करके निजी कारण करके छी है कंटीन जी, वो असी हम दोबारा वह जो टेंडर करा सारा। इस संबंधी जो डॉक्टर बलजीत कौर नाल गलबात की गई तो उन्हों का कहना है कि उन्होंने सरकार के ध्यान में लिया दिता है। उन्होंने कहा कि वह गरीब लोगों नाल जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी तो इस्तीफा दिता। हुण वह चैरिटेबल हस्पताल खोल के काम करेगी जिस नाल हर वर्ग के लोगों का भला हो सके। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ खुशी लिए अजिहा कर रहे ने, ना कि पैसे कमाने, इसलिए मैं नौकरी तो इस्तीफा दिता है ताकि मैं अपने काम वल ज़्यादा ध्यान दे सकां। हाँ जी, मैं अपने प्री मच्योर रिटायरमेंट लिए तीन महीने का नोटिस सरकार को दिता, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। की कारण है जोड़ा जॉब छड़न का, क्योंकि तुहाडे कोल दस्या जा रहा है कि हर रोज मुक्तसर एरिया गरीब तबके का हरेक करीब 300 दे तुसीं मरीज देख रहे हो। एक्चुअली कोई भी डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन से जो कोई बंदा होंगे तो मतलब जो वो अपने प्रोफेशन नाल जुड़िया होंगे तो उन्होंने जॉब सैटिस्फैक्शन उदो ही होंगी है जो वो अपना काम कर, जो उन्होंने लगन लग जाता है कि मैं अपने काम तो पासे हो गई हूँ तो मैं उन्होंने कामों में मैं मंझाया जा रहा जेडे कि मेरे प्रोफेशन रिलेटिड नहीं है, तो फिर मतलब आप सोचने लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप अपने प्रोफेशन किमें अगे वधाउणा, जॉब छड्ड के आप वधा सकते हैं अपनी जॉब छड्ड के। जो जॉब छड्डन का तुम मन बनाया भी सरकारी तो प्राइवेट खोलन की कोई है उम्मीद किसी? देखो मैं जिम्मे मेरे नाल इन्ना गरीब तबका जुड़िया होया, मैं कोई इस तरह हम लुट पाने वाला काम तो नहीं करना है, जे मैं कोई अपना कराँगी अगर अपने लैवल से आपका काम कराँगी तो मैं एक चैरिटेबल टाइप का काम कराँगी जिस नाल कि हर वर्ग का बंदा गरीब परिवार भी मध्य वर्ग परिवार भी मेरे नाल जुड़िया रहा, क्योंकि तुहाडा परिवार सेवा भावना की ज़्यादा कदर करता है इस तरह की। हाँ, मैं इसलिए मैं उही कह रही हूँ कि मैं प्राइवेटाइजेशन वाल नहीं जा रही कि मैं कोई पैसे कमा रही, मतलब मैं एक चैरिटेबल संस्था के नाल जुड़ के काम खुश हूँ। खुश हूँ हाँ, मैं लगता है कि मैं ज़्यादा खुश होवगी क्योंकि मैं फिर अपने काम वाल ध्यान देवगी, मेरे ते उस तरह के काम नहीं थोपे जाएंगे जिन्ना दे के मेरे प्रोफेशन नाल कोई रिलेशन। लोग मंग कर रहे हैं कि बलजीत कौर इतने ही रहने मुक्तसर। बिल्कुल, मैं जिमें लोगों ने मैं बनाया है, लोगों ने लोगों के प्यार नाल ही मैं इतों तक पहुंची हाँ, तो मैं लोगों की मंग अनुसार ही काम करा जिमें चाहूँ।
ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧੜਾ ਧੜ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।